आरोग्य जागृति औरंगाबाद शहर में गणतंत्र दिवस के शुभ मुहूर्त पर एक भव्य आंखों के अस्पताल का शुभ आरंभ हुआ। दृष्टि आई इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये मराठवाड़े का आंखों का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। यहाँ आंखों से जुड़ी हुई हर बीमारी का इलाज तज्ञ डॉक्टरों के हाथों होता है। यह अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इस अस्पताल का ओपनिंग महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री श्री राजेश जी टोपे इनके हाथों हुआ। इस समय प्रमुख अतिथि श्री दिलीप जी मैसेकर, कुलगुरु नासिक, शहर के खासदार श्री इम्तियाज जलील, आमदार अतुल जी सावे, संजय जी सिरसाट, प्रदीप जायसवाल, सतीश चौहान, चंद्रकांत खैरे जी, राजेंद्र दरड़ा जी, किशन तनवानी जी, नंद कुमार जी घोड़ेले आदि मान्यवर उपस्थित रहे। इस अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुनील कस्बेकर, डॉक्टर आनंद पिंपरीकर, डॉक्टर जगदीश लोया, इन्होंने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। महाराष्ट्र राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश जी टोपे ने आरोग्य जागृति से बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में आरोग्य से संबंधित योजनाओं में काफी नए बदलाव किए जाएंगे। आरोग्य जागृति के संपादक डॉक्टर शेख अफसर ने टोपे जी से कहा, जीवनदायी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में डॉक्टर निरुत्साहित रहते हैं, क्या कारण है? तब मंत्री जी ने कहा, पैकेज का इश्यू है, हम पैकेज में तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे, तब ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, जनता को मंत्री जी का बहुत बड़ा दिलासा, हमें इंतजार रहेगा, आने वाले समय में आम जनता को इन योजनाओं का बहुत फायदा होगा। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ शेख अफसर, आरोग्य जागृति। दृष्टि हॉस्पिटल जो कस्बेकर और लोया और पिंपरकर, ये जो डॉक्टर्स है जो हाईली क्वालिफाइड भी है, ट्रेंड है, और उन्होंने साथ में मिलके दृष्टि हॉस्पिटल जो आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, मुझे लगता है अंडर वन रूफ टोटल आई केयर ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एज अ हेल्थ मिनिस्टर हम दो स्कीम्स बहुत अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। वन इज़ महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना, वो हम 492 हॉस्पिटल से अभी 1000 हॉस्पिटल्स करने जा रहे हैं। उसके एक्सपांशन के वजह से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इंश्योरेंस का कवर मैक्सिमम लोगों तक मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पे कवर हो सकेंगे, और मुझे लगता है यही ये इंश्योरेंस स्कीम की सही ज़रूरत है। दूसरा, इसमें एक अच्छा पार्ट ऐसा है कि उसमें जो बीमारियां कवर्ड नहीं है उसकी संख्या भी हम बढ़ा रहे हैं, और कुछ पैकेजेस के बारे में हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स का कुछ सुझाव है, वो सुझाव भी हम उसमें जो भी अमेंडमेंट चाहते वो अमेंडमेंट भी हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम हो या 108 जो हमारा एम्बुलेंस की स्कीम है उसमें भी हम काफ़ी तब्दीली अभी कर रहे हैं कि जिसमें खास तौर पर जो रिस्पांस टाइम है वो पहले 30 मिनट्स था, अभी हम 15 मिनट्स पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें और भी बेहतरीन जो एडवांस्ड एम्बुलेंसेस है और बेसिक एम्बुलेंसेस है उसमें भी जो सुविधा दी जाती थी अभी उसमें भी बदलाव हम लाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अच्छी से अच्छी आरोग्य की सेवा, वैद्यकीय सेवा देने का काम हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से हम कर रहे हैं। सर, महात्मा ज्योतिबा फुले में डॉक्टर्स लोग काफ़ी निरुत्साह बता रहे हैं, इसके ऊपर कोई आप नहीं अब मुझे लगता है अभी निरुत्साह नहीं रहेगा, सब कुछ उनका जो भी सुझाव है वो सुझाव हम उसमें एड्रेस करने का काम, या उनके जो भी प्रॉब्लम्स है हम एड्रेस करने का काम उसमें कर रहे हैं। आरोग्य मंत्री जी, हिसाब से डॉक्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जीवनदायी योजना? नहीं, मुझे इतना ही लगता है कि जीवनदायी के जो भी टर्म्स है, कंडीशंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, उस हिसाब से अच्छा काम करो, हम आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर जो है लेटेस्ट फैसिलिटीज़ आँखों के पेशेंट के लिए उपलब्ध है, इसमें रेटिना की सर्जरी, कॉर्निया की सर्जरी और ग्लॉकोमा सर्जरी और बाकी सब टाइप की सर्जरीज यहाँ पर उपलब्ध है। 26 जनवरी को दृष्टि आई इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ है। टोटल आई केयर अंडर वन रूफ, ये कंसेप्ट पे ये पूरा है। डॉक्टर राजेश भैया जी टोपे ने इसका उद्घाटन किया है, नए इसका स्थलांतर के नए बिल्डिंग का। आप सबको
मेरा ये आग्रह रहेगा कि इतनी अच्छी फैसिलिटी अपने औरंगाबाद शहर में, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं, और हम आपको दुनिया की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के आई केयर है वो देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये आपको मैं शब्द देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।